अगर मैं पूछूं कि एक वीडियो पे व्यूज लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? शायद तुम बोलो एक क्लिकेबल टाइटल एंड थंबनेल, जिससे हाई CTR मिले, और एंगेजिंग एडिटिंग, जिससे हाई रिटेंशन मिले। Well, ये चीजें जरूरी तो हैं, बट कुछ और है जो इनसे भी ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ द वीडियो। नो मैटर एक वीडियो का थंबनेल, एडिटिंग और वॉइस ओवर कितना भी अच्छा हो, इफ द वीडियो आइडिया इज बोरिंग, देन भाई व्यूज नहीं आएंगे। ऑन द फ्लिप साइड, वीडियोस जिनके थंबनेल्स कुछ खास नहीं है, एडिटिंग बिगनर लेवल है, ऑडियो क्वालिटी भी एवरेज है, ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे हर दिन वायरल होते रहते हैं। Why? Because of a killer video idea. But the problem is कि अच्छे video ideas find करना is not at all an easy task. एक दो बार तो अच्छा idea सबके मन में आ जाता है, but बार बार नहीं आता है ना, क्या करें? So आज के video में I'll be telling you my top 4 favorite methods to come up with unlimited viral video ideas. इसमें से method number 1 and method number 4 are my favorite. Starting with method number 1, stealing ideas. इसके नाम पे मत जाओ, this is actually one of the most popular ways to find amazing ideas. Basically तुम्हें YouTube पे जाना है और कुछ random videos को find करना है जो या तो viral है, या तुमने recently देखा है, या फिर सिंपली अपने किसी फेवरेट क्रिएटर के वीडियोस को ही देख लो। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज वीडियोस। इन वीडियोस के फॉर्मेट से इंस्पायर होना है और आइडियाज लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब स्क्रॉल करते समय मेरे सामने आई ये वीडियो, आस्किंग मिलियनेयर्स हाउ टू मेक $1 million। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इट इज रियली पावरफुल। तो मैं इस टॉपिक से इंस्पिरेशन लेके अपने चैनल के लिए कोई वीडियो आइडिया बना सकता हूँ, लाइक आस्किंग बिग यूट्यूबर्स हाउ टू गेट 1 million सब्सक्राइबर्स, या फिर आस्किंग बिग यूट्यूबर्स फॉर देयर बेस्ट यूट्यूब एडवाइस। देयर यू गो, दो वीडियो आइडियाज इंस्टेंटली आ गए। शुरुआत में ये उतना मैटर नहीं करता है कि वो वीडियो इजी टू मेक है कि नहीं, बस आइडियाज लिखते जाओ। शायद बाद में तुम्हें उस आइडिया से मिलते जुलते 2-3 और आइडियाज आ जाए मन में, जो तुम्हें ज्यादा पसंद आएंगे। अनदर एग्जांपल इज फ्रॉम मैट डिवेला, 6 things I wish I knew at 20। ये भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो आइडिया है, जिससे मैं इंस्पायर होकर अपने चैनल के लिए कोई वीडियो आइडिया बना सकता हूँ, लाइक 6 things I wish I knew when starting a YouTube चैनल। सिमिलरली अली अब्दाल की ये वीडियो हाउ टू मैनेज योर टाइम एज अ स्टूडेंट, मैं इस वीडियो से इंस्पिरेशन लेके अपने चैनल पर वीडियो बना सकता हूँ, हाउ टू मैनेज योर टाइम एज अ यूट्यूबर। आई नो दिस फैक्ट कि मोस्ट यंग यूट्यूबर्स को यूट्यूब के साथ स्कूल या कॉलेज मैनेज करने में मुश्किल आती है, सो अगर मैं ये वीडियो बना पाता हूँ, देन चांसेस है कि मुझे बहुत व्यूज आएंगे। ईमान काजी की वीडियो 5 traits of the top 1% man, आई कैन मेक 5 traits of the top 1% YouTuber, सिंपल। तो ये सब बस एग्जांपल्स है जो मैंने खुद के चैनल के लिए लिए हैं, बट आई एम श्योर कि साथ में एक दो आइडियाज तुम्हारे मन में भी आ रहे होंगे फॉर योर चैनल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 common mistakes beginners make in chess। एक बहुत ही कॉमन वीडियो फॉर्मेट है जो कि बहुत सारे नीशेस में अप्लाई हो जाता है, लाइक 5 mistakes new YouTubers make, 5 mistakes to avoid when dribbling, 5 mistakes that make you noob in Free Fire, 5 big mistakes all self-taught guitarists make, and so on। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इंस्पिरेशन ही ले, तुम अपने नीश के किसी और चैनल पे जा सकते हो और वहाँ ऐसे वीडियोस को ढूंढो जिनमें तुम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, या ऐसे वीडियोस जिन्हें तुम इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने स्टाइल में, एंड यू विल हैव इवन मोर आइडियाज। मूविंग ऑन टू मेथड नंबर 2, यूट्यूब सर्च। गेमिंग चैनल्स के बहुत कॉमेंट्स आते हैं, तो पहला एग्जाम्पल उनके लिए ही लेते हैं। लेट्स से हमारा फ्री फायर का गेमिंग चैनल है, सो आई गो टू यूट्यूब सर्च एंड वहाँ पे आई राइट फ्री फायर। अब अगर गेम से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक है मन में जिस पे तुम वीडियो बनाना चाहते हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखो, अदरवाइज ए टू जेड में कोई भी रैंडम लेटर टाइप करते हैं, लेट्स से बी। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, लाइक फ्री फायर बेस्ट सेटिंग्स, फ्री फायर बेस्ट कैरेक्टर, फ्री फायर बेस्ट सेंसिटिविटी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, बट ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, तो हमें एक स्टेप और आगे जाना होगा। सो लेट्स से इन सभी सजेशंस में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्री फायर बेस्ट सेटिंग्स। तो इस एक टॉपिक से रिलेटेड और सजेशंस आ गए हैं, जैसे फ्री फायर बेस्ट सेटिंग्स फॉर हेडशॉट्स, फ्री फायर बेस्ट सेटिंग्स फॉर 2-finger, 3-finger, control, कस्टम HUD एंड मोर। अब इसमें से अगर मैं फ्री फायर बेस्ट सेटिंग्स फॉर हेडशॉट पे क्लिक करूंगा, तो और भी रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे, एज यू कैन सी। सो यहाँ पे जितने भी सजेशंस देख रहे हो, इन सभी को तुम अपने वीडियो आइडिया लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दिस मेथड इज रियली हेल्पफुल बिकॉज हम उन टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम इन टॉपिक्स में कॉम्पिटिशन भी बाकी उससे कंपेरेटिवली कम है। सेम चीज किसी दूसरे नीश के लिए भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग चैनल, सो आई सर्च कोल्ड कॉफी रेसिपी। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस तो आ गए हैं, अब इसके आगे लिख देता हूँ विद। सो अब हमारे पास और भी वीडियो आइडियाज आ चुके हैं जो कि लोग सर्च कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बना सकते हैं। सो ऐसा किसी भी नीश में कर सकते हो, स्पेशली अगर वो नीश पॉपुलर है तो बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर ये मेथड तुम्हारे लिए काम नहीं करता है, देन यू कैन ट्राई मेथड नंबर 3, यूट्यूब कॉमेंट्स। लोग क्या देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, ये जानने का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका अगर कोई है, तो वो है YouTube's कमेंट सेक्शन। इट्स वन ऑफ दोस प्लेसेस ऑन YouTube जहाँ खुद व्यूअर्स तुम्हें बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है। अगर तुम उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना पाते हो, देन व्यूज आएंगे ही आएंगे। बट भाई, हमारे वीडियोस पे व्यूज तो आते नहीं, और तुम कमेंट्स की बात कर रहे हो। वेल, मैंने कब कहा कि खुद के वीडियोस के कमेंट्स देखो।
हाँ, अगर तुम्हारे चैनल पर एक अच्छी खासी ऑडियंस है तब अपने वीडियोस के कमेंट्स देख सकते हो, यू विल गेट सम सजेशंस। अदरवाइज मोस्ट केसेस में तुम्हें यूज करना होगा कमेंट सेक्शन ऑफ बिगर चैनल्स इन योर नीश। अगर बड़े चैनल के कमेंट्स में देखोगे तो यू विल सी कि लोग हमेशा किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो रिक्वेस्ट करते रहते हैं जो कि उस चैनल के क्रिएटर ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है या नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन। फॉर एग्जांपल मेरा चैनल ही ले लो, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चल जाओ, एक टॉपिक है जो लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज वॉइस ओवर एंड वॉइस एडिटिंग, मतलब द टॉपिक इज इन डिमांड, राइट? सो ऐसे में अगर मेरे नीश का कोई और यूट्यूबर इस टॉपिक पे वीडियो बनाता है एंड लेट्स से द वीडियो इज जेन्युइनली गुड एंड वैल्यूएबल, देन उस पे व्यूज आने ही हैं। तो जाओ और जाके अपने नीश के क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में थोड़ी ट्रेजर हंटिंग करो, शायद तुम्हें कोई ऐसा आइडिया मिल जाए दैट विल मेक यू वायरल। बट ये मेथड शायद हर नीश के लिए काम ना करे, सो यू कैन ट्राई मेथड नंबर 4, क्रिएटिंग एन ऑडियंस प्रोफाइल। इसमें तुम्हें एक पेन एंड पेपर लेना है और एक लिस्ट बनाना है जिसमें तुम अपने टारगेट ऑडियंस की एक प्रोफाइल बनाओगे। बेसिकली टारगेट ऑडियंस के बारे में कुछ चीजें लिखोगे, लाइक ऐसा क्या है जिसके बारे में वो लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, प्रॉब्लम्स जो वो हमेशा फेस करते हैं, उनके ड्रीम्स एंड गोल्स क्या है, उनके फियर्स क्या है, उनके मन में क्वेश्चंस क्या है, एटसेट्रा। When you write these things, you'll see कि तुम्हें बहुत सारे वीडियो आइडियाज अपने आप आने लगेंगे। For example, मैं जब उन चीजों की लिस्ट बना रहा था जिसके लिए मेरी टारगेट ऑडियंस हमेशा एक्साइटेड रहती है, तो उसमें से एक था कम समय में यूट्यूब पे ज्यादा ग्रो करना। That's why मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं कोई ऐसा वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं कम समय में ज्यादा ग्रोथ की बात करूंगा, then I'll surely get the views. I mean, evidences भी थे मेरे पास। So I made this video, how I got 10K subscribers with only 7 videos. And जैसा कि मैंने सोचा था उसने अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलरली अगर मैं एक लिस्ट ऑफ फियर्स बनाऊँ अपने टारगेट ऑडियंस के लिए तो उसमें आ जाएंगे थिंग्स लाइक चैनल डेड हो जाने का डर, वीडियो अपलोड करते समय गलत सेटिंग सेलेक्ट कर लेना उसका डर, वीडियो आइडियाज खत्म हो जाने का डर, या फिर सिंपली एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का डर। तुम देख रहे हो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, इनसे कितने आसानी से वीडियो आइडियाज क्रिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट इन वीडियोस के वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है बिकॉज वो डायरेक्टली एक बेसिक ह्यूमन इमोशन यानी कि फियर को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक डायरी में अपने ऑडियंस के मन में आने वाले क्वेश्चंस को भी लिख रखा है। तो जब भी मुझे कोई आइडिया नहीं मिलेगा तो मैं वहां से कोई क्वेश्चन पिक कर सकता हूँ और उसे आंसर करते हुए एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। सिंपल। तो तुम्हें शायद समझ आ रहा होगा कि एक ऑडियंस प्रोफाइल क्रिएट करने से यू कैन गेट सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट ऑडियंस और फिर उस इन्फॉर्मेशन से यू कैन जनरेट अनलिमिटेड वीडियो आइडियाज। ऑफ कोर्स जो एग्जांपल्स मैंने दिया वर फॉर माय चैनल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कैसे ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ आइडियाज। तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस मुझसे अलग हो सकती है, सो गो फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर। सो अब क्योंकि मैं चारों मेथड्स तुम्हारे साथ शेयर कर चुका हूँ, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट एंड टेल मी विच वन वॉज योर फेवरेट। ऑल्सो एक और बात, अगर वीडियो का आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि इट कैन गो वायरल, बट तुम उसका थंबनेल अच्छा नहीं बना पाते हो, देन बेसिकली उस वीडियो आइडिया का जो ट्रू पोटेंशियल है उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे तुम। फॉर एग्जांपल ये वीडियो जिसमें 1 month में 1 million प्लस व्यूज आ गए, आई न्यू कि इस वीडियो में पोटेंशियल है, दैट्स व्हाई इसे अपलोड करने से पहले इसका थंबनेल मैंने 5-6 बार कंप्लीट रीडिजाइन किया था अंटिल आई गॉट समथिंग दैट आई वाज सैटिस्फाइड विद। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट अ ग्रेट वीडियो आइडिया डिजर्व्स अ ग्रेट थंबनेल। तो अगर अच्छे थंबनेल्स बनाना सीखना है तो ये थंबनेल मास्टर क्लास देख लेना, सब एक्सप्लेन कर दिया है। सो या तुमसे वही मिलूंगा, बाय।